can't unsee it. No, no, I can't unsee it. I'm sorry. What? Jodi, Joji, too. You're Bengali, but what did you say? The chocolate was not chocolate. Hustle with Sarah, you and I, we hustle together is the second week of January. Aaj 9 tareek hai, first week has been very, very like that because mere channel hack ho gaya, fir uske baad mere blood test hue aur mere doctor ne mujhe bola my PCOS is out of control, it's not been pretty for me. I've been dealing with a lot of health issues and I'm trying to take it one day at a time as I always do and just prioritizing myself is the topmost goal of 2023. Yes, fudge, as always, jab main aapse baat karti hoon tab fudge ko bahut FOMO hota hai. He's like, mama, mere secrets mat bataya karo sabko. Chalo, aap aa jao andar to I can talk to them. Come first. Good boy. So today I am actually heading out. My mirror is like perpetually dirty, guys. मैं उस पर ऐसा 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 करके अपना मेकअप करती हूँ, वो पूरे उंगलियों के निशान छोड़ देता है वो मिरर. आज हम जा रहे हैं बाहर, इसलिए मैं तैयार हुई हूँ टू जस्ट डू सम शॉपिंग. नॉट फॉर मी, आई एम मेकिंग अ महाराष्ट्रियन मिस्ट्री बॉक्स फॉर अ पेशेंट. से बात करना, यू हैव टू टॉक इन द रीजनल लैंग्वेज, और रीजनल लैंग्वेज मुंबई की ऑफकोर्स मराठी है, तो मेरी मराठी काफी अच्छी हुआ करती थी इन द पास्ट सेंस. लाइक आई यूज टू स्पीक फ्लुएंट मराठी, नाउ इट्स नॉट दैट ग्रेट एनी मोर बिकॉज अब वो आदत छूट गई. अभी मेरे से कोई भी मराठी में नहीं बात करता, तो अब मेरी आदत छूट गई. पहले हम लोग बहुत अच्छे से बात करते थे. बट दैट बीइंग सेड, वी आर गोइंग टू गो मेक हर अ महाराष्ट्रियन मिस्ट्री बॉक्स. आई एम गोइंग टू ऐड थिंग्स जो यू नो मुझे पसंद है, जो आई हैव ग्रोन अप इन बॉम्बे ईटिंग. आई एम गोइंग टू हैव अ डिफिकल्ट टाइम फाइंडिंग दोज थिंग्स बिकॉज काफी चीजें अभी दुकानों में नहीं मिलती. आई एम सर्चिंग थिंग्स ऑन अमेजोन, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ 90s / मुंबईकर मिस्ट्री बॉक्स. सो वेरी वेरी एक्साइटेड, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग दिस फॉर. आई हैव माय फुल लिस्ट जॉटेड डाउन कि मैं क्या क्या डालूंगी मिस्ट्री बॉक्स में. तो आज हम एक एक चीज जाके अच्छे से खरीदेंगे. आई एम आल्सो गोइंग फॉर डिनर टू अनीशा'स हाउस, सो दैट्स माय पीओए. मोर अबाउट माय पीसीओएस लेटर, आई विल टॉक टू यू ऑल अबाउट हाउ आई एम मैनेजिंग और क्या हुआ है एंड एवरीथिंग. माय हेल्थ हैज बीन अ लिटिल in the first week, but I'm trying my best to like be there for myself more than anything this year. That's my priority, apart from of course all the secret things jo maine aapse itne time tak rakhi hai. Ab mera na pet bloat ho chuka hai, guys. Look at this bloating. This is all the secrets I am keeping in my tummy since 2023, and I cannot wait because this is the year where all of the secrets are going to come out. Like ek ek pitara khulega and you're going to be like, what even? Like that is going to be your reaction, and you're going to know that it's going to be absolutely worth it. No secret I keep from my Sara squad is ever going to be something which is just air mein malum hai, matlab bahut कुछ जा रहा है उसके पीछे, इसीलिए आपसे छुपाना पड़ रहा है. अब ये सारी छुपन छुपाई खत्म हो जाएगी और अब एक एक करके आपको सब पता चलेगा. आई एम वेरी एक्साइटेड. पर्पल ऑल्सो यू गेट, बट दिस लुक्स प्रिटी. पर्पल क्या रेंज में है ये? 1390 का है, 1650. क्या क्या कलर आएगा आप सब निकालो. दिस इज पिंक एंड पर्पल. यस यस. ये अच्छा है बट इट्स नॉट गिविंग वेरी महाराष्ट्र. वो फर्स्ट वाला जो आपने दिखाया और ये, आई लाइक दिस. सो विच वन यू आई रियली लाइक दिस एक्चुअली. या ये द फर्स्ट वन इज द बेस्ट. गो फॉर दिस. इसमें क्या ब्लाउज पीस और ये दोनों अलग से लेना पड़ता है? कभी नहीं आता, नो वरी. अगर ब्लाउज आए कट कर देंगे तो छोटा हो जाएगा सर. अच्छा. हाँ कभी भी तो पुट इट लाइक दैट. नो बिकॉज़ क्या, चोली का ब्लाउज आता है. This is nice, guys. This is the Navari we find. First and most important thing in a Maharashtra mystery box. Oh wow. This is discount mein 1150 ka. I think this is very pretty. Very you can generally also take it. इसमें ब्लाउज का कपड़ा है. दिस शुड टेक इट आई थिंक. दिस इज वेरी मी. दिस गाइस इज इसका. ये आई डोंट नो बिकिंग सारी से शॉपिंग के लिए वेरी अट्रैक्टिव. कितने का ये? 650. ये मैं लेती हूं. ये अच्छा. दिस इज सो प्रीटी. वेरी प्रीटी. लुक्स वेरी प्रीटी ऑन यू. ये देखो प्रॉपर. सो इजी गोइंग. आई लव इजी गोइंग. हां रफ एंड टफ है यार.
मेरी हाइट में होगा करने के मंदिर के बाजू में वेयर इज द मंदिर ये ऊपर क्या है फॉर दैट यू टेक ग्रीन बट द एंटायर थिंग इज पिंक ना पूरा सारी पिंक है ना बट हाँ तो ग्रीन यू हैव टू टेक ओनली द बॉर्डर नो पल्लू पल्लू पिंक ग्रीन है पूरा हाँ तो फिर आप पिंक ही कर दो पिंक और इसके पल्लू क्या कलर है पर्पल है बॉर्डर पर्पल है तो पल्लू भी पर्पल ही है ठीक है तो पिंक हेलो इज प्रीटी बट इट्स नॉट मैचिंग मैचिंग यस ये एग्जैक्ट मैच नहीं है भैया Yeah, that is ये ब्राइट है ये हटा दो ये डीप है हाँ, ना, ये भी हटा दो तो दोनों में यही आएगा ये पिंक और पर्पल पिंक शेड ही आ रहा है ना सी दिस दिस इज मोर वायलेट रेड मजेंटा में जा रहा है चेक कर लेते चॉकली वाज नॉट चॉकली फ्रॉम माय वाला चाहिए कि सबके साथ नहीं नहीं अच्छा बढ़ा दो देखो ये महाराष्ट्र था ये भी महाराष्ट्र था चॉइस कर डालना ठीक है और वो ना व्हाट लुक्स वेरी प्रीटी एक्चुअली प्रीटी इट हैज टू गो ऑल द वे अप बट माय मेकअप विल गेट्स आई लाइक दिस सी या दिस आल्सो प्रीटी ऑलमोस्ट सिमिलर टू द वन इट इज टू मच पर्ल दिस इज प्रीटी या 1550 और मेरी वो सिल्वर बैंगल कितने की है ये 50 टिपिकल बिंदीज दैट गो विद नवाबी साड़ी ये बराबर है ये परफेक्ट है कितना दे दूं ये दो दे दो बस उससे बड़ा अच्छे तो भी है उससे बड़ा दिखाओ नो ना द स्मॉल इज गुड बट दैट विद द मेन कोर वर्क ऑफ शालिनीज मिस्ट्री बॉक्स इसके अलावा आई वांट टू गिव हर अ लॉट ऑफ लाइक फूड आइटम्स द फूड आइटम्स आई विल बी गेटिंग फ्रेश ओनली तो जिस दिन हम शूट करेंगे उसी दिन आई विल बाय बिकॉज़ आई हैव दैट ऑप्शन सो आई वुड माइट एज़ वेल गेट हर समथिंग फ्रेश बिकॉज़ शी विल नॉट ईट एवरीथिंग एट वंस तो वो रखे रखे फिर खराब भी हो जाता है फूड आइटम्स का वो दैट्स द मेन थिंग एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स आई विल बाय ऑनलाइन आल्सो राइट नाउ आई एम हेडेड टू अनीशा'स हाउस आई एम गोइंग अ लॉट अर्लियर एक्चुअली वी आर गोइंग टू मीट एट 7 You're done? Are you okay with me now? Are we friends? Okay, we're not friends. Okay, Sasha! C'est un jeu. C'est un jeu, c'est un jeu. Yes, baby. Johnny, you too. You too. Okay, I'll give you one piece. She hates like she's never been given anything yeah. in this house. We just starve her. The next day. I'm getting my hair ready for a shoot. I'm using my Dyson. I'm so used to using my Dyson now and I really, really like it. Mere baalon ke liye actually it's perfect. It's not for everybody. I know a lot of you all were like, please review it and let us know if it's actually worth the money. I wouldn't say it's for everybody. Agar aapke baal bahut zyada thick hai aur bahut zyada straight baal hai ya bahut zyada curly baal hai, like it's somewhere on the extremes, then it's not for you because you'll not be able to get the best result from it because usme heat kam use hota hai and heat damage to definitely kam hai because jab main regular blow dry ghumati hu ya salon mein bhi jaati hu and they you know pull and tug with that bristled brush there's so much hair fall that happens so here with the Dyson I don't experience any hair fall at all my only inconvenience is like using the Dyson is like pura ek affair ho jata hai mano ye dabbe ke sath baitho ek ek attachment dalo it's a thing it's like a full session that you do for yourself when you use the Dyson I was saying that mere jaise baalon ke liye it is perfect because my hair is not like super curly and neither is it super straight also it's somewhere
in between. And it's very, very fine. My hair is very fine. So whenever heat styling is done, it really stays. These are hair stylists. मुझे वही बोलते हैं आपके बाल इतने पतले हैं कि styling टिक जाती है. So at least कुछ तो अच्छा है बाल पतले होने का advantage. Quick that was, और एक बार खुल जाते तो बहुत natural लगते हैं. And then for this side, I just turn the direction of the curl, और फिर opposite side पे कर सकते हो आप. This is my favorite part. जब मैं regular tong use करती थी, as a righty मुझे left side बहुत मुश्किल पड़ता था. This is my favorite part कि एक ही हाथ में पकड़ के just turn the nozzle and you can curl both your sides with one attachment. So that's my favorite part of using the license. Definitely has technology which is why the price tag. It's not just के brand के नाम का पैसा. मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना कि इतने सारे सीक्रेट्स हैं मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ. आई एम फाइंडिंग इट सो डिफिकल्ट टू टॉक इन व्लॉग्स बिकॉज़ आई एम लाइक बात भी करो तो किसकी करो बिकॉज़ कुछ भी बता नहीं सकती. इम्पल्स में देयर इज अ न्यू लॉन्च व्हिच इज कमिंग अप सो वी आर ऑन द फ्लेवर डेवलपमेंट ऑफ दैट व्हिच इज ऑलमोस्ट डन. द फ्लेवर डेवलपमेंट इज डन एंड समथिंग एल्स ऑल्सो दैट वी आर लॉन्चिंग अराउंड द सेम टाइम. तो ऑफकोर्स जब तक वो आए तब तक आई कैन नॉट टेल यू ऑल एनीथिंग, कैन नॉट शो यू ऑल एनीथिंग. प्लस सीक्रेट प्रोजेक्ट का भी कुछ नहीं बता सकती, कुछ भी मैं बता ही नहीं सकती. ऐसा इतना मुश्किल हो रहा है ना मुझे बात करने के लिए. प्लस व्हाट आई कैन टेल you is that I'm having such a hard time with my health. My health has gone to the dogs. Like my PCOS went out of hands. I went to the doctor. I don't miss my period. Matlab that's not the only indication jo PCOS ka hota hai. Period missing is one of the factors that women face. Apart from that also there are other factors that are involved when you have PCOS. And for me it's always been my acne. Like my acne is the biggest indicator ki haan aapke hormones are out of whack and you need to look into this. Suddenly in the second last week of December meko bahut zyada cystic एक्ने आने लगे. लाइक एक ही साथी में शादी के टाइम पे मैं फुल फेस वाज विद सिस्टिक एक्ने एंड आई वेंट टू द डॉक्टर एंड शी सेड कि इट्स पॉसिबल दैट योर हार्मोन्स आर आउट ऑफ कंट्रोल अगेन. ये लास्ट मुझे स्पेन के टाइम पे हुआ था एंड देन विद माय मेडिसिन्स एंड एवरीथिंग वी वर एबल टू कंट्रोल, बट मेडिसिन्स के साथ आई कुड नॉट डू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. तो मैंने मतलब कुछ भी पाया नहीं. लाइक सिर्फ दवाई तुम्हारे को इतना ही हेल्प कर सकती है. यू हैव टू वर्क ऑन योर बॉडी ऑल्सो, यू हैव टू वर्क आउट, यू हैव टू ईट हेल्दी, ऑल ऑफ दैट आई डिडंट डू. आई डिडंट डू एनीथिंग फॉर माई सेल्फ. आई जस्ट रिलाइड ऑन द मेडिसिन and it flared back so badly. Like the backlash my body gave me now in Jan has been really bad and now the medicines I'm on are giving me such severe mood swings. It's not even funny. Like kal main aayi Anish ke ghar se and I was super happy and everything with Anish and I was with the dogs. I was happy. I came back home and I started crying. Like out of nowhere I started crying. And then once your brain starts crying you over analyze things, you overthink and your brain is so confused. I'm not able to like grasp my emotions and everything that's changing around me and it's just been very difficult for me PCOS wise, which is why this time I've really told myself के बस हो गया, बहुत हो गया. मतलब अभी बहुत अनहेल्दी खाना खा लिया, बहुत अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले लिया. Yesterday I told Anish also, like he was so many times he tempted me. He was like, you want ice cream, you want chocolate, you want cake. I was like, no Anish, no, I'm off sugar. I'm like, cause it elegant, I'm off sugar, I have to take care of myself. And he was like testing me कि मैं हाँ बोल दूँ, कोई सी चीज़ पे हाँ बोल दूँ. Only unhealthy thing I ate yesterday was chips, like थोड़े से chips, like एक कटोरी chips. So I'm keeping like a tab on myself because my doctor this time has given me a warning कि you're gonna turn 25, you're still young, अभी अपना ध्यान रख लो, body will repair itself. Later in your 30s and all, you're gonna have a hard time, you know. Then if your hormones go out of track, जितना age होता है उतना repair mechanism body का slow हो जाता है. तो और मुश्किल हो जाती है टू बी एबल टू करेक्ट दीज डैमेजेस दैट वी आर मेकिंग. एंड द मेन शी वाज टेलिंग मी द मेन डिजास्टर फॉर द जेन जी दीज डेज इज मैदा, बिकॉज हम इतना ज्यादा मैदा कंज्यूम करते विद रामेन, ऑल द मिडनाइट रामेन सेशंस दैट आई डू, प्लस पिज्जा बर्गर, एवरीथिंग इज जस्ट सो, पास्ता ऑल्सो इज सो मैदा एंड रिफाइंड फ्लावर. रिफाइंड फ्लावर इज द बिगेस्ट कल्प्रेट फॉर आर पीसीओएस. सो आई वाज लाइक ओके, नो मैदा देन फॉर मी. लाइक रियली 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 टेकिंग इट थोड़ा स्ट्रिक्ट विद माई हेल्थ, थोड़ा नहीं काफी स्ट्रिक्ट विद माई हेल्थ. मुझे वो आई ओपनर मिल गया साल के स्टार्ट में और ये सारे मूड स्विंग्स आर ओनली अ साइन दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ एंड आई डोंट वॉन्ट टू रिलाई ऑन दीज मेडिसिन अगेन इन माई लाइफ. लाइक इस बार आई हैव मेड अ डिसीजन कि एक बार ये दवाई बंद करवा दी मेरी डॉक्टर ने एंड माई हॉर्मोन्स कम नेचुरली बैक ऑन ट्रैक. आई नेवर वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन दीज मेड्स अगेन इन माई लाइफ बिकॉज दे रेक हैवॉक ऑन माई ब्रेन एंड मेक मी फील सो शिटी. सो नाउ आई एम गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज इमोशंस एंड आई डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू दम अगेन.
the medicine she's given me now, the side effects are skin rashes. तो मेरे पूरे legs पे इतने rashes हैं रात के time में, मुझे इतना itching और इतना discomfort होता है, तो मेरी नींद पूरी नहीं होती है. Plus the mood swings which I already told you, and it's a diuretic, so I feel very thirsty. बहुत बार मुझे प्यास लगती है और अगर मैं enough पानी नहीं पीऊँ तो मेरा सर दुखने लगता है. So it's so like it's not difficult to be a woman. Sometimes I was just telling all this to my friend and she was like, wow, it's so hard to be a girl sometimes because all of us girls are battling PCOS in some way or another. सबके अपने मतलब Everybody's PCOS is different, so I can't just tell you कि मैं जो कर रही हूँ आप करोगे तो आपको useful होगा because the hormones like the female hormonal chart is so vast and everybody's hormone levels will be different. तो सबका hormonal imbalance अलग अलग ways में हो सकता है. Like for me, prolactin is very high in my body, so it's almost like I'm a pregnant woman. That's how much prolactin I have in my body, which is why मेरे period के पहले के cravings इतने strong होते हैं. Like मुझे ये चाहिए अभी चाहिए तो अभी चाहिए. Like it's that bad. My cravings are that bad during my PMS period, like period से पहले. And now that I did the blood work, I came to know, oh my god, this explains a lot. You know, the prolactin levels explain why I have such strong cravings when I do. And now of course doctor has given medicine to wo craving control karna easy hota hai, but she's like there has to be some level of self-control also along with the medicine. You have to exhibit some self-control, only then you'll be able to conquer the PCOS. Okay, this is what my freshly Dysoned hair look like. I don't keep it curly, I like open out all the curls by just running the comb through it, so it becomes more like a voluminous blow dry. I like the big hair energy because my hair is usually ekdam chapat, by the third day it'll become full flat, so I like this fresh hair wash ke baad ye wala look. I'm going to go head up for the meeting with Payal. I'm really excited to have a shoot today with everybody in house. Let's go, let's get started with the day. Alright guys, I got done filming my get ready with me. This is the makeup that I did. I quite like how my makeup turned out actually, even though I was talking so much in that video and I was not really paying attention to my makeup. Kafi acha lag raha hai mera makeup. Kafi light on hai ghar mein because humko ek aur video shoot karna hai brand ka, to abhi hum wo khatam karenge and then we'll pack up for the day. I have one more meeting, that's it. That's all I have to do today. After Amit is looking at me like I have to change into this night suit abhi and do like a makeup removal video. That's what we are filming. Hamara expertise hai usme. Isliye hamara ye set chal raha hai. Abhi makeshift ho gaya hai pura bedroom ka vibe. The same set of drawers. Isliye ye drawers main aapko nahi de sakti. Sorry. Hamara makeup removal chala jayega. One last meeting. It's 10:47 in the night. I'm not tired physically. I'm just feeling very mentally. So I'm just gonna finish this meeting and then. This is the new book plan. I'm the last of the series, the Dirty Air series. This is redeemed. I finished all the three. I would say that the second was my least favorite book because it was so cliche. And this is the most important. So I think it will take 3 days to finish this. I'm very fast with these romance novels. I'm like skimming through them. I love going into them and then not coming out in my real world. It's my escape. I love books, you know. I'm so glad I started with Harry Potter and just rekindled my romance with novels in general. The next day. It's Friday. I'm making a quick errand to a market where I like to get my crystals from. ये एक shop है जहाँ मैं जाती हूँ अपनी crystals खरीदने के लिए. And I really want to add crystals to Shalini's mystery box because it's not like a Mumbai thing or a Maharashtrian thing, but it's like a house thing because the house is new. And I was thinking, वो दुकान में you get like idols also. I don't do idol worship, so I don't have any idols in my house. But I want to get her a nice Lord Ganesha's small little idol that she can add to her house. एक एमेथिस्ट स्टोन चाहिए और एक गणेश का आइडल चाहिए. समथिंग लाइक दिस आई वाज थिंकिंग लाइक अ स्मॉल. ये दिखाना नहीं है गणेश का आइडल. मर्क्यूरी है. क्या फायदा है इसका?
इसका घर में इतने हेल्थ वेल्थ सब अच्छा होते हैं और वास्तु के लिए बहुत अच्छे होते हैं। I love to read about that. और कौन से हैं? सब मिल जाएंगे। ये कितने के है? 6,000 के। गिफ्ट के लिए चाहिए? हाँ। ये दे दीजिए ना, अच्छा है, 1700 रुपए के। गोल्ड प्लेटिंग भी इस साल के गारंटी भी। It's a little expensive, but I really like the mercury one. मर्क्यूरी के क्या फायदे होते हैं मेरे को बताना ना। एक दिन भी हाउस अच्छा रहेगा, इनका एक दिन पूजा करने से पूरे एक साल के बराबरी में होता है। तो बाय द रैपिंग मटेरियल के दो, एक थिक है और एक थिन है, बट थिक वाले से रैप नहीं होगा। तो थिन ही दे दो। थिन ही दीजिए मिस्ट्री बॉक्स बांधने के लिए। 10 है ना? हां 10 अच्छी होती है। और मेरे को ऐसा कार्ड डालने के लिए पोस्टर जैसा भी कुछ दो ना। Later that same evening. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. Rolling. 3, 2, 1, go. नहीं आगे चले गए, उधर ही रुकना है बस। मैं बोल दूंगा 3, 2, 1 गो। बस मस्त है। कैन आई सी इट? यस प्लीज। मेरा रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड है आउटफिट में। हाथ तो फोल्ड कर लो। रुक रे, क्या फोल्ड कर लो, टी शर्ट थोड़े है मेरा, यूजुअली रोप होता है। एक तो भूतिया बन के खुद के आउटफिट में राज की तो क्रीपी लग रहा है। वो ऐसा कांच को चिपक के खड़ा है। लाइट नीचे से दे, फेस पे लाइट नीचे से दे, फेस पे लुक इट। अब ये बंद कर फिर देख। This week has been back to back to back to back to back to back to back shoot. ऐसा लग रहा है बस सबको यही हफ्ता मिला है मेरे साथ शूट करने के लिए। In fact, I'm not even traveling. I don't know what is the rush this week that everybody wants to shoot this week. कल मुझे एक और शूट करना है and then I'll be done for the week. 14th, Purnima is going, so I have to go to the airport. Of course. अच्छा, holiday over. So tonight I'm meeting them. I'm meeting my girls, but I have to finish some edits of all these shoots that we're doing. So fun. आज बहुत ज़्यादा high tide है। मैंने बोला था, अच्छा तू गया तू आज में कुछ कर रहा है। This is Tamanna and Purnima. This is Tamanna and Purnima. Literally. अपन क्यों रात को कार्डियो करने निकलते? मेरे को समझ में नहीं आता। मैं तो छाछ पीने आई थी। छास पीने तो काट रही थी। The next morning. Good morning. It's Saturday and I look really tired. That's because I am. ये पूरा हफ्ता I've been shooting. So अभी end of the week मेरे मुंह पे बहुत थकान है। I'll have some coffee and अब तक मैंने coffee भी नहीं पी है। It's 11 hours. It's 10:30 and today Sakshi and Dikshi are coming because we're working on the secret project's launch video. तो आज हम लोग को पूरा कंटेंट सॉर्ट वगैरह करना है। I've already revealed that it's launching on my birthday, so we are so close to the launch. इसीलिए like अभी मैं almost every day दूसरे काम कर रही हूँ, because once it launches, I know I'm going to be busy with that, and then I'm traveling also after that. So it's like अभी थोड़ा काम कर लो, फिर बाद में आराम कर सकते हैं, भला भाई मैं। Sakshi is actually done like with her term of employment at Team Sara Sarosh, but she is assisting me on the secret project. तो वो तो कंटिन्यू रहेगा ही, प्लस Sakshi needs no reason to come to my house, she can come whenever she wants. Dikshi edit करने वाली है वीडियो, इसलिए शी नीड्स लाइक अ प्रॉपर फ्लो, तो वो आ रही है एंड Sakshi विल हेल्प मी इन सॉर्टिंग द फुटेज एंड पूरा, मतलब मुझे आपको कैसे बताना है वो वीडियो, वो आज हम बैठ के अभी करने वाले। बट फर्स्ट आई नीड कॉफी, आई नीड मैम्पल्स, देन ओनली आई कैन स्टार्ट माय हसल। लेट्स गो। Sakshi विल वेलकम मच। गुड मॉर्निंग। बस वन पांडे। ओह थैंक यू योर फ्रेंड। व्हाट टू गो टू द लॉन्च? अच्छा टू द लॉन्च आई एम सो प्रीटी, थैंक यू। मेरी कॉफी भी नहीं गई है बट फूल आ गए। दीक्षी मैसेज की जब मैं उठने वाली थी कि आई एम रनिंग लेट, मैं बोली छोड़ मैं सो जाती हूँ, तेरा कुछ मैसेज नहीं आया, तो मेरे को लगा तुम लोग दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हो। तो नहीं मेरे को पता ही नहीं वो लेट आ रही। छोटू हैज लर्नड हाउ टू मेक माय ब्रेकफास्ट, हाउ आई लाइक इट। व्हाट अ बिग अकॉम्प्लिशमेंट फॉर छोटू। या वन वीक आई मेड इट एंड टॉट हिम, द ओनली थिंग इज छोटू इतना बड़ा चम्मच मत दे यार इसके साथ। छोटू छोटा चम्मच।
Chotu, give me chota chamach. It's very tasty. You wanna try? It's water. There's no milk. There's oats, strawberry, oats, chia seed, badam or kishmish. Non-veg hota to main nahi deti. Nice. I don't like honey. Pancakes for you people eat honey. Maple syrup. I don't like it. A few hours later. We are sitting and sorting. In this life, my hair looks like Sanjay Dutt, which is what Varma calls me yesterday. And she was like, yeah, we have a running joke in our group. Golden hair is that Sanjay Dutt golden hair phase. You don't know? I'll show you. No, like this. You can't unsee it. No, I can't unsee it. So it should start with. तूने कुछ highlight नहीं किया है इसमें तो कुछ भी edit नहीं करने वाली है. किया ना. अच्छा हो. अच्छा अच्छा किया किया. I love the girls on top in the middle of my work and my lab. Camera battery is also dying. I don't know why I took my camera. My phone bhi nahi liya because Sakshi is transferring her phone se laptop mein files. I just want to add a quick thing to Shalini's mystery box. That is a chicken curry kurti. I just felt like chicken curry is not like Mumbai. It's not famous for chicken curry. So I should not put it in a Mumbai or Maharashtra mystery box. But I love wearing chicken curry kurtis and she loves wearing it. And I have this one shop chart which is bahut pasand hai lena. So I thought I would get her that the quality उधर बहुत ज़्यादा एकदम premium quality की मिलती है and Mumbai is known for import export right हम दूसरी जगहों से चीज़ें लाके इधर बेचते हैं Mumbai में so I was like might as well put an item which I love which is imported in Bombay so we are getting her the chicken curry kurti. My camera battery is dying but these are the final pieces that I've taken for myself also because मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी बहुत time से मैंने नहीं खरीदा है. It's got one short for her and one long. Me trying one day to step out of the house without a phone. I went out this camera बैटरी शायद डाइंग फ्रॉम द लिफ्ट ओनली तो व्लॉग तो छोड़ दो फिर जब मैं पे करने लगी मेरा क्रेडिट कार्ड मैक्स्ड आउट है सो अभी मंथ एंड आने वाला है अभी मेरा बिल जनरेट होगा आईसीआईसीआई होगा पक्का स्पेशल ऑफर क्या अभी हाँ सो आई यूज माई आईसीआईसीआई कार्ड विच इज अ डेबिट कार्ड नॉट अ क्रेडिट कार्ड एंड वेरी कॉन्फिडेंटली आई पुट द पिन incorrect pin again pin incorrect bhai two times I put the pin and I was like now again if I'll put wrong then block ho jayega card so I told them to tap mein limit is only 2000 so two times they tapped 4000 tak they could tap uske baad they could not tap bhi ho gaya wapas pin dali aur jabki main ICICI rose use karte pata nahi kyun incorrect pin aa raha tha and then three pins incorrect that got blocked the one day I go out and I don't have google pay I'm like handicapped without and then other HDFC ke jo dusre mere debit cards mere ko kabhi bhi pin nahi yaad rehti hai even though there is fund in that but I don't remember the pin because I don't use it aisa nahi hai ki mera card nahi chal raha hai paisa nahi hai khade khade insaan bolega theek hai ek kurti main shalini ke liye lene aayi thi bas wahi kurti leti hu maine khud ke liye bhi aur do kurtis kharidi na isliye mera bill 15000 ho gaya insaan kurti minus karke bolta hai theek hai main baad mein aake kabhi le lungi I have called sakshi from that shop ka number and I'm like sakshi mera phone le gaya first I called her because my camera battery died and I thought you would bring it so we could vlog But that time she didn't answer because unknown number and I knew she was working. She wouldn't answer. Didn't answer. Again, I was like, please, bhai, abhi to paisa nahi utha le. I'll send a little prayer over there. And then I saw Sakshi's Truecaller name because I don't have Truecaller on iPhone. Do you know? We all don't have Truecaller on iPhone, but they had. मैंने उन लोगों की दुकान का फोन ली ना कॉल करने के लिए. Sakshi का नाम आता है Truecaller पे. Sakshi Mehta Sara Sarosh. What? क्या बात कर रही है सच्ची में इट फील्स लाइक इफ शी इज मैरिड टू मी और समथिंग इट्स लाइक दिस इट डजंट हैव अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट जस्ट साक्षी मेहता सारा सरोज एंड आई वाज लाफिंग व्हाइल आई डिडंट हैव मनी टू पे द साक्षी फोन लेके आ गूगल पे वेरी गुड वेरी सैड माई वाइफ वॉज नॉट देयर एंड देन What a hopeless wife. That's why I divorced you. I'm the child of divorce. एंड देन फाइनली माई वन डीसीबी कार्ड आई रिमेम्बर की मेरी वॉलेट में रहता है मैं बैठ गई थी मालूम है दुकान में से हार के अब भी दरवाजे से साक्षी आएगी वॉलेट ऑल्सो टुडे यूजुअली आई डोंट कैरी माई वॉलेट आई ओनली कैरी माई कार्ड होल्डर वॉलेट मतलब डीसीबी का कार्ड उसमें है और उसकी पिन मेरे को हमेशा याद रहती है वो मेरा फर्स्ट कार्ड था हमें वो एक मेमोरी में है उसमें पैसा भी रहता है
मैं अपनी सारी कुर्तीज भी खरीद पाई. व्लॉग नहीं कर पाया, मैं आपको कुर्ती बाद में दिखाऊंगी. शालिनी वाली तो आई विल शो यू इन द शालिनीज मिस्ट्री बॉक्स, बट मेरी वाली आई विल शो यू लेटर इन द इवनिंग. 2024 आ गया, हम सब नारियल पानी पी रहे. मैं और साक्षी इतने हेल्दी हो गए और दीक्षिता अभी भी बाहर से खा रही है. वरना वो क्या मैकडॉनल्ड्स मंगाने वाली. तू ऐसा ही मंगाने वाली. हाँ, मैं पूछ रहा हूँ बिग बॉल क्या आता है. चावल और सालन मिलता है. बट उस दिन तो अपना बिग बॉल अच्छा नहीं था जब अपन मंगे. इधर अच्छा होता है. हम घर का खाना खा रहे हैं. आप क्या खा रहे हो मैम? किसका खाना घर का है? किसके घर का है बिग बॉल? घर का खाना. तुझे इसको पता है पनीर खिलवा रही है, इसीलिए देखो डिवोर्स दिया है मैंने. इसीलिए ये ऐसा अफवाह बोलते अफवाह. We are shooting the mystery box. The day has come. मैं बैठी हूँ मेहमान की जैसा मेरे घर में. शालिनी कैमरा एडजस्ट करी बिकॉज उसका वीडियो बन रहा है. सो क्यूट. इतना एनर्जी उसमें था नहीं जब वो घर पे आई. शी केम होम फीलिंग लाइक saving energy. I told her that. Saving energy मतलब she's some plant or what? I'll save my energy separately. It's not Mumbai specific. For me it is. Sabudana wala is like a vrat ka khana jo maine hamesha suna hai bachpan se with all my friends ki mummiyan jo bhi vrat rakhte the. They used to be like vrat mein se sabudana wala kha sakte the. Mumbai mein Alpha shop has always imported stuff and like bachpan se imported stuff. Bye. You want some fada? Auntie wants a fada. Why did you buy such a fada? Because that is shit. तुम्हारे साथ ही होता है मम्मी. तू बराबर से खा. A few hours later. I'm leaving for a gaini with my girls. I'm going for a drive. The last problem drive अभी पूर्णिमा है तब तक, क्योंकि she's going back tomorrow और अब पता नहीं वो कब वापस आएगी, because अब तो उसके भाई की शादी हो गई है. There's no reason for a holiday. अब उसका कोर्स कम्प्लीट होगा, शायद उसके बाद इंशाल्लाह वो आएगी. हम चले जाएंगे कैनेडा, you never know, चार पांच साल. But अब तो पता नहीं when we'll meet for a drive in Bombay. ऐसा तो we are going for a gaini and I'm just going to go up फटाफट से अपने स्टूडियो में और get her impulse का stock. My friends are so great. Purnima already got her I am pro caffeinating sweatshirt, Impulse Coffees का जो sweatshirt है. She's like, मुझे नहीं पता था sweatshirt में fleece है, तूने मेरे को बता ही नहीं. I was like, yeah, it's a proper winter appropriate sweatshirt. And she's like, it's perfect for Canada. And she all, and I was like, how did you get your hands on it? क्योंकि उसने मुझे selfie भेजी WhatsApp पे. She's like, I ordered it on the website. So my friends just go ahead, place their orders, which even though they know कि मेरे से ले सकते हैं वो लोग और मैं कभी मतलब ऐसा order या पैसा नहीं charge करूंगी उनको. That's the kind of support Purnima wanna show me, you know. Chachu, mashallah, it's great to have friends who are always here for me. I'm going to go up, get Purnima her Impulse Coffee stock. Let's go up and let's go meet them. White wala aur brown wale ka mujhe small de tamanna ke liye. Ye small hai, ye medium hai. Small de. Actually, the most selling is our sweatshirt, so we barely have stock for it. 100 gram vanilla aur 100 gram mocha. Ye bada wala hai. बड़ा वाला है मौका है ये. नहीं ये रहा मेरे को मौका चाहिए. हाँ बस इसमें है आई थिंक. इसको पायल को बोल अपडेट करने, इसमें 9 नहीं बचे. मैं उसको बोलती हूँ. मौका खत्म है मेरे ख्याल से. खोलो इसको. ये है क्या? कहाँ गया भाई मौका? सब खत्म है. मौका है ही नहीं आई थिंक मौका का स्टॉक. अब भी तो रीस्टॉक मारे वेबसाइट पे, इधर नहीं मारी है. मतलब उसने ऊपर देख वो वाले में, वो वाले देख उस पे लिखा है मौका 50 ग्राम्स. चेक करो एक बार इस पे. हाँ ये है ना, 100 ग्राम है इसका. बड़ा वाला बड़ा वाला सीने में वापस मिला. परफेक्ट.
और हाँ बस परफेक्ट. थैंक यू सर. कितना होगा इसका, कितना देने का आपको? फज की तो अरे आप इधर बैठे हो, आप लोगे कॉफी कपड़ा क्या लोगे आप? अरे हॉट चॉकलेट नहीं दिया पूर्णिमा को, हॉट चॉकलेट भी देने का. दुकान में खड़े से लग रहा. थैंक यू सत्तू. मेरा कपड़ा मैं दिल्ली लाई हूँ. कपड़ा लेके आये? अच्छा कुछ लेके आई हो तेरे लिए तमन्ना? अरे तो देखना वो वाले स्नो का इम्पल्स के बैग में. अरे तेरे को हॉट चॉकलेट भी लेके आई बस है. तो मेरे को ऐसे ही दे रही है? यस. एक मिनट ये वाइट तेरा ही है. तुझे घर छोड़ सकती है तू. I'm good for today. Yeah, it was at the event na, apna party wala. I love, that's my favorite. Anyway, let's go. Where do you... What is the meaning of procrastinating? It's just a spin-off words on procrastinating. Oh, to to barabar hai mere. तू का प्रोक्रेस्टिनेट करती 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 अच्छा. सो यू हैव टू बेसिकली कैफिनेट एंड देन नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, दैट्स द पॉइंट. देन हसड़ा करो. तो फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वो मैं तुम लोगों को पूछ रही हूँ, तुम लोग मेरे को पूछ रहे हैं. अपना ये देखिए बता ना कौन सा आप नाम क्या. हाईवे डिलाइट पे फास्ट टैग रिफिल करो. हाईवे डिलाइट इधर से लेफ्ट. वी आर गोइंग टू गो ट्राई द मुंबई ट्रांस हार्बर. अच्छा अनाउंस क्यों कर रही है? मैं भूल जाती हूँ कभी. सॉरी यार सॉरी काम करो मैं. यू लिटरली सेड अच्छा. यू नेवर टॉक इन बंगाली में क्या अमित यूज कर रहा था. गाइज हम पूरा का पूरा मुंबई पार करके आ गए हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक लेने के लिए. या अटल बिहारी वाजपेयी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक. सो नाइस, आई एम सो एक्साइटेड टू गो दिस रोड बिकॉज़ इसमें एक भी टोल नहीं है. यहाँ पे बहुत HMVs होती है, बहुत ज्यादा HMVs. हम लोग ने अभी अब वापस ओवरटेक करना पड़ेगा इसको यार. आपको कितना काम है ना, आप बाजू में बैठ के कितना काम कर पूरा ये रास्ता. शी हैज मैप्ड बिकॉज स्नैप किया, लिप बम दिया, पानी दिया, लिप बम रखा वापस, गाना कंट्रोल किया, आराम से बोलती रही. अभी कौन सा गाना बजाओगे आप MTL पे? यहाँ पे कितनी HMVs होती है? अरे यहाँ से आई थिंक हाईवे कुछ उन लोगों का नजदीक होगा कुछ तो, या फिर यहाँ पे प्लांट्स होंगे ना. अरे नो ब्रो क्या प्लांट्स होंगे? हाँ अच्छा दोस्त तुमने भी पानी थूक दिया. वापस अंधेरी जाने के लिए वापस यही लेने का. किधर से वापस एंट्री है इसका? अच्छा. इस पे ही आने का. अच्छा थैंक यू. हाँ माँ बेलापुर पहुंच गए. अरे बाप रे नहीं वो पता है नया ये खुला है क्या? ये नहीं इधर राइट से ले वो आराम से. आराम से वो जो अटल बिहारी वाजपेयी मुंबई ट्रांसफर. अरे वो खुला है ना ब्रिज. हाँ तो वो ब्रिज एक्सपीरियंस करने हम लोग आ गए तो बेलापुर पहुंच गए. अभी ब्रिज खत्म हुई बेलापुर तो अभी वापस वो ब्रिज पे जा रहे क्योंकि घर आना है. अभी भाई एक घंटे की तो ब्रिज है फिर उसके बाद एक घंटा घर आने में लगेगा तो लेट होएगा तो सो जाओ आराम से बस चाबी है. Later that night. I have come home at 2:30 in the night and the only person who waits up for me is Fudge. He's like one disappointed grandfather sitting here at the door. They आ गई इतना लेट. कहाँ थी? हाँ कहाँ थी मम्मा? Where was mamma? Mama went to a new bridge, you know, Fudge, it was so long. The next day.
आज पूरा दिन ना मैं बस बिस्तर में ही बैठी थी, पूरा लेको ब्लैंकेट का मेस हो रखा है बिकॉज आई वोक अप विद लाइक अ सर्दी एंड माय सोर थ्रोट एंड फीवर बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन. कल दीक्षी बीमार थी, मैं उसको बोली मेरे से दूर बैठ, बट आई ऑल्सो हैड टू कीप हर क्लोज बिकॉज यू आर वर्किंग टुगेदर एंड आई इमीडिएटली कॉट इट ईदर फ्रॉम हर और ऑल्सो छोटू इज ऑल्सो अनवेल सो आई कॉट इट फ्रॉम देम प्लस द वेदर इज नॉट सपोर्टिव एट ऑल. इस बार मुंबई में बिल्कुल भी ठंडी नहीं हुई है, बिल्कुल लाइक लास्ट ईयर आई रिमेंबर वी आर वेयरिंग स्वेटर्स एंड ऑल. दिस टाइम आई एम वेयरिंग माय समर आउटफिट, दिस इज वन ऑफ द चिकनकारी कुर्तीज आई गॉट येस टुडे, तो ये मुझे आपको बताना भी था. इशू चोज इट फॉर मी, आज पूरा दिन वो था आई वाज लाइक इशू व्हाट आउटफिट आई शुड वेयर, आई शोड हिम टू कुर्तीज एंड ही चोज दिस वन फॉर मी, इट्स लाइक अ पीच कलर एंड आई डिडंट हैव दिस कलर प्लस आई रियली लाइक द वर्क, इतने भरे भरे फ्लावर्स और भरा भरा काम हो रखा है इस पे. एनीवे लेट्स गो टू द एयरपोर्ट, आई हैव कॉल्ड उस्मान अंकल बिकॉज लास्ट टाइम मैं पार्किंग में फंसी हुई थी और ये भी हैवी स्टूडेंट आउटपुट पीरियड होगा तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड द पार्किंग विल बी फुल सो आई डोंट वॉन्ट टू मिस पूर्णिमा'स फेयरवेल सो we will not be driving today, let's go. खारी गोड़ गोड़ बोला, आज मकर संक्रांति के दिन ही आपको निकलना था लोरी की. Even if you don't have your passport now, it's too late, Purnima. You're already. That guy will just look at my face and like, हाँ, तो मैं क्या करूँ तुम्हारे पास? आराम से उसमें ना कर, अभी अपन late नहीं हो रहे. Directly क्या क्या रहना पड़ता है? The first I told him to race his ass so key because हम S cross निकाले. और बैटरी बंद हो गई गेट पे तो हमारे साथ ही होता है. फ्लाइट हैज बीन डिलेड गाइस. I just read Sonu Sood's Instagram post and he was complaining about... the incoming about, flight is delayed which is affecting this flight. Yeah, because of weather conditions. But yeah. Apparently, aaj to ekdam saaf tha na sky, to kya ho gaya? From where it's coming, wo beach, on the road. But all other airlines, not everybody is coming and going to Paris, na? Wo log wo route lete ho gaya na. Even if you come from different countries, route hota ho. पूर्णिमा इज रेडी टू लीव यू. क्रोसो खाना मस्त ले ओवर पे. यस, उसके लिए वो रुकी है ले ओवर के लिए पेरिस में. Soon you're on your way. Promise me that. हम लोगों का बैग लेके मत जा यार पूर्णिमा. हम लोगों का बैग कैसे लेके जा रही? हम धक्का दे रहे क्या? थोड़ा हाथ मार दी. आंटी बोलती लास्ट टाइम तुम लोग घुसे थे, घुस जाओ घुस जाओ. अरे बट सबकी डिलेड थी बहुत, तो के और से वीरल भयानी ने पोस्ट किया तो मैं रीड करके सोनू सूद भी अंदर ही अटका है. I guys I'm gonna end the vlog right here. Purnima abhi chali gayi, kitna fatafat time ja raha hai. Kitni budget second week of January aa gaya hai. She's done with baggage check and security also. Up immigration pe is bar it was a much better farewell for her. Last time bahut problems the before she left, so we feel like this was really deserving, you know, uska second farewell zaruri tha, even though teen mahine ke andar hi ho gaya. Ab aisa rona nahi aa raha hai, pehle jaisa, because we know ke wo reh chuki hai and she's done this and you know she'll do it, like we know that she'll do it because she's done it. Pehle wo hamari bahut matlab Purnima has been all our lives like the most like comfort zone girlie. She's that girlie, like wo hamesha apna comfort zone seek karti hai. So for her to step out of her comfort zone last time was very intimidating. Kyun kar payegi ke nahi, but usne kar liya hai. I genuinely feel like sab log ko apna comfort zone se bahar jao tabhi real like test life ka hota hai and she's done it and we're so proud of her and mashallah she will continue to, she will be safe and काफी वेदर कंडीशन बुरे. आई वॉज जस्ट सींग ऑल माई पैरिस के फ्रेंड्स की स्टोरीज एंड दे आर ऑल शोइंग स्नोफॉल. तो आज पैरिस में स्नोफॉल हो रहा है और पूर्णिमा इज फ्लाइंग KLM, तो उसकी एयर फ्रांस और फिर KLM होती है तो हमेशा उसका पैरिस में ले ओवर होता है. सो दैट्स वाई हर फ्लाइट इज डिलेड, बट इवन देन नाउ शी इज गॉन इन साइड ओनली. वी डिडंट वेट अ लॉट ओवर देयर एट द एयरपोर्ट बिकॉज अंदर फिर उसको अंदर प्रॉब्लम हो गई कि अगर दूसरों की भी फ्लाइट डिलेड है तो फिर बैगेज चेक सिक्योरिटी एवरीथिंग टेक्स टाइम एंड दिस इज द टाइम पीरियड वेन नॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. देयर वर स्टूडेंट्स एट द एयरपोर्ट बट आई थिंक दीज स्टूडेंट्स आर द वंस जो छुट्टी पे जैसे पूर्णिमा आई है अपनी फैमिली से मिलने न्यू ईयर पे और फिर वापस जा रहे, तो वो वाला क्राउड था एयरपोर्ट पे. सो इट वाजंट वेरी क्राउडेड बट देयर वर पीपल, सो गुड दैट शी इज गॉन इनसाइड एंड देयर इज नो स्ट्रेस कि वो लेट हो जाएगी फ्लाइट के लिए. आई एम गोना एंड दिस व्लॉग राइट हियर. काफी लंबा काफी कुछ हो रहा था ये व्लॉग में, बट या काफी कुछ जो हो रहा है वो मैं आपको बता ही नहीं सकता. आई इज छोटू नॉकिंग, ही इज गॉट माय काढ़ा. या दैट्स व्हाई थैंक्स छोट्स, गॉट माय काढ़ा एंड माय डोलो.
I hope you like this video. If you did, don't forget to give it a big thumbs up. For today's video, Sara Squad shout out goes to Shabana Begum. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you're in partnership to the Sara Squad shout out, you know what to do. Hit subscribe button, bell icon right next to it. Also leave a comment down below saying hashtag Sara Squad. And subscribe for my next video, Sara Squad shout out. I will see you very soon in another video. Bye guys, love you.